सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीषर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीषर। एंड हियर अगेन इन V33 वी आर गोइंग टू डिस्कस दीस 20 वर्ड्स विद द सेम टेक्निक दैट आई टोल्ड यू इन V32। So let's start the session. Here we have 20 words, but actually we just have 5 or 6 words. How? Let's see. First pair is SSC. Second one is NAI, NAI. Number 3, SOAP, SOP. Number 4, POL, POL. Number 5, VNH. And number 6, TALK, TAC. Okay. So, शुरू करते हैं आज का सेशन V33। बड़ा रोचक सेशन रहा था V32 का, और जिसमें आप लोगों की डिमांड्स के चलते V33 में भी सेम टेक्निक्स मैं आपको आगे बता रहा हूं, क्योंकि आप इस टेक्निक से अगर याद करते हैं तो सिनोनिम्स आप भूल नहीं सकते, ये निश्चित है, क्योंकि इतना आसानी से याद हो जाएगा, रोचक तरीके से याद होगा कि आपको लगेगा कि सिनोनिम्स बहुत पहले से हमें याद भी थे। लेट्स सी SSC से देखिए क्या करना है आपको। SSC से बनाना है आपको, जैसे मैं फर्स्ट वर्ड लेता हूं यहां पे, स्क्वेल्च यू कैन से, और सबड्यू। सेकंड वर्ड मान लीजिए मैंने लिया सप्रेस, एंड थर्ड ले लेता हूं मैं क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन के बाद में एक जनरली ऑन प्रेपोजिशन लगेगा, यहां क्लैम्प डाउन के स्थान पर क्रैक डाउन भी हो सकता है। ओके, क्लैम्प डाउन के स्थान पर यहां क्रैक डाउन भी आपको मिल सकता है। तो देखिए, सबड्यू है, सप्रेस है, एंड क्लैम्प डाउन है, इन तीनों का ही मतलब है दोस्तों दबाना, किसी व्यक्ति पे के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, ये सारे मीनिंग निकलते हैं सबड्यू के, सप्रेस के, क्लैम्प डाउन के, क्रैक डाउन के। SSC से याद कर सकते हैं इसको, फर्स्ट लेटर जो है तीनों ही शब्दों के, यहाँ SS और C मैंने यहाँ पे लिए हैं। SSC की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो SSC से आप याद कर सकते हैं कि SSC की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने जो आंदोलन किया था, कि आपको जस्ट इमेजिन करना है कि जैसे मान लीजिए SSC विभाग के द्वारा धांधली की गई है, या SSC के द्वारा अच्छे तरीके से चीज़ सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही है, तो उसके अगेंस्ट जो आंदोलन था SSC स्टूडेंट्स का, उसको दबा दिया गया, उसको सप्रेस कर दिया गया, उसको कुचल दिया गया, इस तरह के मीनिंग आपको मिलेंगे सप्रेस से, सबड्यू से, क्लैम्प डाउन से, क्रैक डाउन से। तो ये आपका फर्स्ट वर्ड आज के सेशन का हुआ SSC, और आपको याद कैसे करना है, SSC के स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया आंदोलन दबाया गया, दमन किया गया। तो SSC के स्टूडेंट्स के द्वारा आंदोलन दमन किया गया, दमन करने के लिए वर्ड्स बताए हैं, सप्रेस है, सबड्यू है, क्लैम्प डाउन है, क्रैक डाउन है। आप रिपीट करते रहेंगे तो जल्दी आपको याद होगा। नंबर 2 पे हम बात करते हैं NAI, और यहां मैंने वर्ड्स जो लिए हैं आज के लिए वो है नेटिव, आप कह सकते हैं, यहां A से बना सकते हैं एबोरिजिनल, और I से आप बना सकते हैं इंडिजेनस। ओके, सो इंडिजेनस है, एबोरिजिनल है, एंड नेटिव है, इन तीनों ही शब्दों का मतलब होता है देशी, इन तीनों ही मतलब है कि आप किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं, वहाँ के नेटिव हैं, वहाँ के एबोरिजिनल हैं, वहीं के मूल निवासी हैं, देशी हैं। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, देशी नाई से आप याद कर सकते हैं, या हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं कि देशी विदेशी यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आपको यूज़ करना है देशी नाई। और नाई आप जानते हैं बार्बर की मैं बात कर रहा हूँ, तो देशी नाई से याद होगा, एन से होगा नेटिव, A से होगा एबोरिजिनल, और I से क्या होगा इंडिजेनस। ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड वर्ड ऑफ टूडे सेशन। वेल मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, नंबर 3 SOAP, यहां आप बना सकते हैं S से स्टबर्न, O से आप बना सकते हैं ऑब्स्टिनेट, A से यहां बनाया जा सकता है एडमेंट, एंड P से आप बना सकते हैं पर्टिनेसस। ओके, एडमेंट एंड पर्टिनेसस, तो आप समझ गए होंगे मैं किस ओर इशारा करना चाहता हूँ इन चारों वर्ड से। इन चारों ही वर्ड्स का मतलब है जिद्दी, हटी, अटल। जो व्यक्ति हटी है, जिद्दी है, जो अपने बातों से टस से मस नहीं होता है, उसे हम कहते हैं स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट एंड पर्टिनेसस। तो आप याद कर सकते हैं कि महंगी सोप खरीदने की जिद पकड़ रखी है, महंगी सोप से नहाने की जिद है,
तो वो व्यक्ति जो जिद कर रहा है उसे हम कहेंगे स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट एंड पर्टिनेशियस। तो सोप से मैंने याद करवाया कि महंगी सोप खरीदने की जिद, महंगी सोप खरीदने के लिए वो जिद्दी है। तो इस प्रकार से आप सोप से याद कर सकते हैं स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट एंड पर्टिनेशियस। ओके वेल नेक्स्ट पेयर वर्ड इज POL। POL से आप याद कर सकते हैं पार्टीशन, ओ से आप याद करें वन साइडेड, वेयर एज एल से याद कर सकते हैं लोप साइडेड। इन तीनों का ही मतलब होता है एक तरफा, वन साइडेड यहां पे लिख रखा है तो एक तरफा की बात है। तो आप यूं कह सकते हैं कि पोल का एक तरफा डिसीजन, पोल किसी व्यक्ति का नाम आपको कंसीडर करना है कि पोल का एक तरफा डिसीजन, तो पी से यहां पे पार्टीशन है, ओ से यहां पे क्या है वन साइडेड, जबकि एल से है लॉप साइडेड, तो पोल से याद हुआ एक तरफा। इस तरह से ये वर्ड भी बड़ा आसानी से हमें याद हो गया। अगले वर्ड की ओर मूव करें तो वी एन एच दिया हुआ है, वी से यहां पे आप बना सकते हैं वेग, एन से बना सकते हैं नेब्यूलस, जबकि एच से आप बना सकते हैं हेजी। तो वेग, नेबुलस एंड हेजी इन तीनों का ही मतलब होता है नॉट क्लियर, धुंधला जो होता है, अस्पष्ट है, उसके लिए हम यूज करते हैं वेग, नेबुलस एंड हेजी। कैसे याद करना है आपको, वी एन एच, वी से आप याद करिए विलेज, एन से नेशनल, एच से हाईवे, तो विलेज नेशनल हाईवे है, बड़ा ही धुंधला है, तो विलेज नेशनल हाईवे पे धुंध छाई हुई है, धुंधला है, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, हर चीजें धुंधली दिखाई दे रही हैं। तो विलेज में वी है तो वी से वेग, नेशनल में एन है तो एन से नेबुलस, और हाईवे में एच है तो एच से हेजी। और लास्ट वर्ड आज के सेशन का लेते हैं हम टैग। टैग आप जानते हैं पाउडर के छोटे डिब्बे को हम टैग बोल सकते हैं, पाउडर के डिब्बे को हम टैग बोल सकते हैं। तो टैग से आप याद करें तो टैग से टर्स यूज कर सकते हैं, एब्रेविएटेड यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज लैकोनिक एंड कंसाइज। इन चारों वर्ड्स का मतलब क्या है, संक्षिप्त है। तो आप यूज कर सकते हैं टैग की छोटी डिब्बियां यूज कर सकते हैं, टैग की छोटी डिब्बी, तो छोटे से आप याद रहेगा टी से, टैग का टी जो फर्स्ट लेटर है उससे आप यूज कर सकते हैं टर्स, ए का मतलब है एब्रेविएटेड, एल का मतलब है लैकोनिक और सी का मतलब है कंसाइज। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये 20 वर्ड्स जो कि 6 वर्ड्स के ही सिनोनिम्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो कंप्लीट किए हैं। कल भी 20 वर्ड्स हुए थे, 40 वर्ड्स हमने देखते ही देखते सीख लिए और वो भी बहुत आसानी से सीख लिए।